क्या पहले पुदीना वाला गाना, पहले पुदीना वाला सॉन्ग खेसारी के पास गया था और खेसारी ने इस सॉन्ग को रिजेक्ट किया और अब पछता रहे? जी हाँ, अब ऐसी अफवाहें निकल कर बाहर आ रही हैं कि खेसारी लाल यादव के पास पहले ये पुदीना वाला सॉन्ग गया था, लेकिन खेसारी ने इस सॉन्ग में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद ये गाना गया पवन सिंह के पास, पवन सिंह और उनकी टीम ने इसमें कुछ अच्छा ढूंढ लिया और आज कहा जा रहा है कि खेसारी पछता रहे हैं इस सॉन्ग को ना करके, जो कि पवन सिंह ने गेन किया और खेसारी ने लॉस कर दिया। तो क्या इन सब में सच्चाई है या एक कोरी मात्र अफवाह है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्रोजेक्ट किसी के पास जाना और किसी का प्रोजेक्ट ना करके किसी और स्टार ने उस प्रोजेक्ट को हामी भरी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि कई दफ़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ ने जिस फिल्म को इनकार किया है, उस फिल्म को खेसारी ने कर एक अलग ही संघर्ष अपने जीवन में लाया है। तो खैर, आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, यानी कि भोजपुरी में ऐसी कई फिल्में हैं जब कोई स्टार नहीं करता है, उसकी एक वजह नहीं होती है कि वो स्क्रिप्ट देखकर उसे इनकार करता है, उसकी कई वजहें होती है कि मनी मैटर यानी कि पैसे का लेन देन हो, उस पर कई स्टार्स की बातें नहीं बनती हैं, फिर कई को कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माजरा नहीं है। जी हाँ, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वो किस बेस पे फैला रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन ये फिक्स खेसारी के पास कभी गया ही नहीं था। ये सॉन्ग तो पवन के पास ही आया हुआ था और पवन को इस सॉन्ग में अगर कुछ पसंद आया तो पुदीना में जिस तरह से बात आती है, जिस तरह से पुदीना को इस गाने में गाया गया है, बिल्कुल वो चीज़ पवन सिंह को बहुत पसंद आई। साथ ही साथ इस गाने का कॉन्सेप्ट पवन को बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अपनाते वक्त पवन थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि उनकी इमेज एक रफ़ एंड टफ सुपरस्टार की इमेज है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो उन्होंने ऐसा कभी काम किया नहीं था। लेकिन ये रिस्क लेने पर पवन सिंह इसलिए भी राज़ी हो गए कि उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि जनता उन्हें पसंद करेगी। सेकेंड थॉट, वैसे भी जो ये पुदीना जिस हिसाब से कहा जा रहा है वो ऑलरेडी एक बंदे ने कम से कम एक साल पहले ऐसा कुछ पुदीना बेचते हुए कहा था जो काफ़ी वायरल हुआ था। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसे चोरी का नाम दिया जाएगा तो भाई हेलो, कौन सबसे बड़ा चोरी वाला गाना होगा? आप सभी जानते हैं टिकटॉक के ज़माने में हेलो कौन कितना फेमस हुआ था, लेकिन उसे गाने का रूप। तो इस तरह से हेलो कौन को हम भोजपुरी का एक बहुत बड़ा चोरी वाला गाना कह सकते हैं। इन खैर, अगर आप ये सब कुछ देखने जाएंगे तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ अब ये मायने रखता है कि जो हिट है वो फिट है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।